पिछली वीडियो में हमने द्विवेदी युग की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाला था, लेकिन कुछ प्रवृत्तियों पर चर्चा अभी बाकी है, जैसे कि मानवतावाद। इस युग की मूल प्रवृत्ति है मानवतावाद। इस युग से पूर्ववर्ती काव्य में असामान्य ईश्वर, राजा, सामंत, योद्धा एवं नायिकाओं का वर्णन किया जाता था, किंतु इस आलोच युग में सामान्य मानव को कविता में स्थान मिला और मानव मात्र के सुख दुख एवं परिस्थितियों का वर्णन काव्य में बड़े ही सहज भाव से किया गया। हरिओत जी ने उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों पर किए जा रहे अत्याचारों का वर्णन इस प्रकार किया है। देखो इस पद में देखिए, आप आंखें खोल कर के देखिए, आज जितनी जातियाँ है सिर धरी, पेट ने उनके पड़ी दिखलाएगी, जातियाँ कितनी सशक्ति या मरी। अगली जो प्रवृत्ति है इस युग की वह है नीति और आदर्श, अर्थात नीति और आदर्शवाद की प्रतिष्ठा। द्विवेदी युगीन कविता में श्रृंगार भावना का विरोध हुआ है और नैतिक मूल्यों पर बल दिया है। इन कवियों ने नैतिक मूल्यों को प्रमुख माना है। द्विवेदी युग का काव्य आदर्शवाद से प्लावित है। भारत भारतीय कविता में कवि कर्म के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए क्या लिखा है देखिए, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। अर्थात कवि का उद्देश्य मात्र पाठक का मनोरंजन करना नहीं आना चाहिए, बल्कि पाठक उनसे कुछ आशय ग्रहण करे, कुछ उपदेश ग्रहण करे, कुछ शिक्षा ग्रहण करे, वही कविता सार्थक मानी गई है। नीति एवं आदर्श परक रचना करने वालों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय आदि मुख्य है। अब कुसंगति पर प्रकाश डालते हुए क्या लिखते हैं देखो, कि हमें हमेशा सज्जनों की संगति करनी चाहिए। अति खल की संगति करने से जग में मान नहीं रहता है, लोहे के संग में पड़ने से घन की मार अनलो सहता है। अर्थात अब यदि हम दुर्जनों की संगति करते हैं और दोषी नहीं होते हैं तो उनकी संगति से हमको भी दोषी मान लिया जाता है, इसलिए हमें हमेशा सज्जनों की संगति करनी चाहिए, ये कवि का उद्देश्य है। अगले इस युग की जो प्रवृत्ति है वह है प्रकृति चित्रण। इस युग में प्रकृति को विशेष महत्व दिया गया है। प्रकृति स्वतंत्र रूप में काव्य का विषय बनी। मैथिली शरण गुप्त, हरिओत, रामचंद्र शुक्ल त्रिपाठी, गिरधर शर्मा आदि के काव्य में प्रकृति का बड़ा ही मनोहर चित्रण हुआ है, जो नायक नायिका के संदर्भ में किए गए रीतिकालीन ऋतु वर्णन आदि के समान निर्जीव एवं परंपरा पालन मात्र नहीं है। प्रिय प्रवास का तो आरंभ ही प्रकृति चित्रण से हुआ है। देखो कवि ने प्रकृति का कितना ही मनोहारी चित्रण किया है इन पंक्तियों में। देखो, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अवराजती, कमल नी कुल वल्लभ की प्रभा। धार्मिक भावना, अगली प्रवृत्ति है धार्मिक भावना। द्विवेदी युगीन कविता में धार्मिक भावना भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मानवतावाद के आदर्श के कारण द्विवेदी युगीन कविता में पीड़ित एवं शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति जागृत हुई है। इसका कवि का ईश्वर प्रेम मानव प्रेम में बदल गया है। इसमें जो ईश्वर प्रेम है उसको मानव प्रेम में परिणित करके कैसे स्पष्ट किया, देखो ठाकुर गोपाल सिंह के शब्दों में, जग की सेवा करना ही बस सब सारों का सार है, विश्व प्रेम के ही बंधन में मुझे मिला मुक्ति का द्वार है। अर्थात वह मुक्ति का द्वार विश्व प्रेम के बंधन में ढूंढता है, स्वयं का उद्धार नहीं करवाना चाहता बल्कि संपूर्ण विश्व का उद्धार करवाना ही कवि का आशय है। अगली जो इस युग की प्रवृत्ति है इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता का अर्थ होता है वर्णनात्मकता। इस युग में जो प्रबंध काव्य लिखे गए वो पूर्णतः वर्णनात्मक थे। देखो, भारतीय युग की श्रृंगार परक मुक्तक काव्यों की प्रतिक्रिया स्वरूप, द्विवेदी युग में स्थूल वर्णनात्मकता प्रबंध काव्य की प्रवृत्ति पनपी। खंडकाव्य एवं महाकाव्य अधिक लिखे गए, जिनमें वर्णन विषय का इतिवृत्त प्रस्तुत किया जाता था। इस युग की कविता श्रृंगार रस से मुक्त है।
इति वृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप श्रृंगार रस की अश्लीलता और उच्च श्रृंखलता का पूर्णतः बहिष्कार किया गया है। कविता की इसी प्रवृत्ति के कारण उसमें लाक्षणिकता एवं चित्रमय भाषा और वक्रता से बहुत ही कम स्थान मिल पाया है। प्रिय प्रवास और साकेत इसी प्रकार के महाकाव्य है जिसमें इतिवृत्त प्रस्तुत किया गया है। अब इस युग की जो अगली प्रवृत्ति है वह हास्य और व्यंग। इस युग में हास्य और व्यंगपूर्ण कविताओं का प्राचुर्य रहा है। हास्य और व्यंग के विषय थे राजनीति, सामाजिक कुसंगतियाँ, धार्मिक आडंबर, विदेशी वस्तुओं का अंधानुकरण, फैशन परस्ती, व्यभिचार आदि। द्विवेदी युग ने सर्गो नरक ठिकाना नाही में व्यंगपूर्ण कविता लिखी है जिसमें उनकी बहुत सारे व्यंग से परिपूर्ण कविता हैं। एक बार लॉर्ड कर्जन ने भारतवासियों को झूठा कहा तो उनको लक्ष्य कर गुप्त जी ने कितना ही तीखा प्रहार किया। देखिए, हमसे सच की सुनो कहानी, जिससे मरे झूठ की नानी, सच है सभ्य देश की चाची, तुमको होगी कहाँ तम मीज, औरों को झूठा बतलाना, अपने सच की डींग अड़ाना, यही पक्का सच्चापन, सच कहना तो कच्चापन। अर्थात उन्होंने जो विदेशी थे उन पर व्यंग किया है। अगली जो प्रवृत्ति है वह कालानुसरण की क्षमता। इस काल के सभी कवियों में बदलती हुई भावना को आत्मसात करने की शक्ति थी। काल अनुसरण यानी कि काल के अनुसार चलना। काल क्रम अनुसार उद्भूत काव्य रूपों, काव्य शैलियों को भी इन्होंने अपनाया, काव्य विषयों को भी अपनाया। इसीलिए तो इस काल की जो रचना थी उसमें राष्ट्रीयता की भावना चरम पर थी। जैसे मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि से भी विभूषित किया गया। द्विवेदी युगीन काव्यधारा तथा छायावादी काव्यधारा में समन्वय भी हुआ इस युग में। इस युग की जो अगली महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है वह है बौद्धिकता की प्रधानता। इस युग का कवि और काव्य दोनों पाश्चात्य संस्कृति के बौद्धिकवाद से पूर्णतः प्रभावित है। कवियों को प्राचीन गौरव को जगाना आवश्यक था क्योंकि हमारा देश परतंत्र था और उस परतंत्रता की वेड़ियों को काटने के लिए नवयुवकों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करना अति अनिवार्य था, क्योंकि इनके हवा में भारतवासी अपनत्व को भुलाकर अपनी संस्कृति को छोड़कर अंग्रेजी संस्कृति का अनुकरण करने में लग गए थे। साकेत महाकाव्य में चित्रकूट की सभा में राम क्या कहते हैं देखो, उसमें उनकी बौद्धिकता पूर्णतः अभिव्यक्त हुई है। मैं नहीं यहाँ संदेश स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। कि मैं यहाँ स्वर्ग का कोई संदेश देने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो इस पृथ्वी को ही स्वर्ग में परिवर्तित करने के लिए आया हूँ। तो ये उनके पूर्णतः बौद्धिक विचार है। अगली जो प्रवृत्ति है वह अनुवाद कार्य। इस काल में गद्य और पद्य में दोनों ही क्षेत्रों में विदेशी जो भाषा है, विदेशी जो साहित्य है, अन्य जो भाषाएं हैं उनकी कविताओं का अनुवाद पर्याप्त मात्रा में हुआ। आचार्य द्विवेदी का उद्देश्य था हिंदी भाषा और साहित्य को समृद्ध बनाना, अतः अनुवाद प्रवृत्ति के माध्यम से उन्होंने इस कार्य को सफलतापूर्वक किया। काव्य रूपों में अनेकता। इस काल में लिखे गए काव्य रूप में अनेकता मिलती है, जैसे कि प्रबंध काव्य, खंड काव्य, प्राचीन मुक्तकों का प्रणयन आदि। गीतों में छायावाद की लाक्षणिकता, व्यंजना और अप्रस्तुतों की योजना का भी अनुसरण किया गया, पर विशेष सफलता नहीं मिली। प्रागीत मुक्तकों का प्राधान्य भी इस युग में हो गया था। छंदों की विविधता। ब्रजभाषा समर्थकों को खड़ी बोली की काव्य उपयुक्तता के साथ साथ विविध छंदों के ग्रहण की क्षमता पर भी संदेह था, किंतु इस काल के कवियों ने उनकी सब शंकाओं को पूर्णतः निर्मूल कर दिया और इन कवियों ने दोहा, चौपाई, रोला, सवैया, कुंडलिया के साथ साथ संस्कृत के अनेक छंदों जैसे कि हरि गीतिका, उपेंद्र वज्रा, इंद्रवर्जा आदि का प्रयोग भी किया। और इसी की सबसे जो महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी वह थी भाषा संस्कार। यह द्विवेदी युग की अत्यंत महत्वपूर्ण और विशेष प्रवृत्ति थी। खड़ी बोली के आंदोलन में खड़ी बोली के समर्थकों को सफलता मिली। इन्होंने ब्रज भाषा को काव्य क्षेत्र से हटा करके
खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया और इस युग में गद्य और पद्य दोनों की भाषा खड़ी बोली हो गई। खड़ी बोली अपनी प्रारंभिक अनगढ़ता, अपरिपक्वता, कर्कशता और अव्यवस्था से युग में द्विवेद युग में यानी इस युग मतलब द्विवेद युग में प्रांजलता, मार्दव, व्यवस्थित और संस्कारित हुई। आचार्य द्विवेदी के अथक प्रयास से उसमें निरंतर परिमार्जन, परिष्कार और संशोधन होता रहा और उन्होंने भाषा संस्कार, व्याकरणगत शुद्धियाँ, ब्राह्म चिन्हों का उचित प्रयोग, वाक्य विन्यास द्वारा हिंदी को परिनिष्ठित रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया जो सदा स्मरणीय रहेगा। अब इस द्विवेदी युग का महत्व कि द्विवेदी युग का क्या महत्व है, हिंदी कविता को प्राचीन रूढ़िबद्धता से पृथक करने में इस युग के कवियों का विशेष योगदान है। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया तथा गद्य क्षेत्र में भाषा का परिष्कार कर उसे व्याकरण सम्मत बनाया। हिंदी कविता को श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता, जड़ता से प्रगति और रूढ़िवादिता से स्वच्छंदता की ओर ले जाने में इन कवियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और जो हमेशा याद किया जाता रहेगा। द्विवेदी युग की महती उपलब्धि है गुप्त जीकृत साकेत महाकाव्य और हरिओधकृत प्रिय प्रभास तथा रत्नाकर कृत उद्धव शतक, ये जो रचनाएं हैं द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। अतः हम कह सकते हैं कि द्विवेदी युग पूर्ववर्ती युगों से भिन्न है, इस युग तक भारतीय युग से प्रभावित है, इसमें अग्रिम युग को प्रभावित किया है। इस युग का काव्य सांस्कृतिक पुनरुत्थान, राष्ट्रीय जागरण, उच्च आदर्शों तथा उद्दात्त भावनाओं का चित्रण करने में विशेष महत्व रखता है, जिसका विषयगत चित्रफलक अत्यंत व्यापक है और वैविध्यपूर्ण है। इस युग में सभी प्रकार के काव्य रूपों में और कवियों ने विभिन्न छंदों का बड़ाई कुशलता से प्रयोग किया तथा खड़ी बोली में काव्य क्षेत्र से ब्रजभाषा को अपदस्थ कर गद्य और पद्य दोनों क्षेत्रों में अपना अड़िग सिक्का जमाया और खड़ी बोली में सुगढ़ता, प्रांजलता, परिनिष्ठता और परिपक्वता को ग्रहण किया, इसलिए हमेशा याद किया जाता रहेगा। द्विवेदी युग यहीं पर समाप्त होता है। अगला आएगा छायावाद, जिस पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे।